आगे बढ़ते हैं। दमोह गंगा जमुना स्कूल मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानून को ने स्कूल को लेकर कलेक्टर और एसपी को खत लिखा। इस खत में प्रियांक ने स्कूल के पास की मस्जिद में गुप्त मार्ग का उल्लेख करते हुए केस दर्ज करने की मांग की है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सबसे सनसनीखेज खुलासा राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानून को ने किया है। प्रियांक ने दमोह के कलेक्टर और एसपी को खत लिखा है और इस खत में स्कूल के पास की मस्जिद में गुप्त मार्ग का जिक्र किया गया है। प्रियांक ने स्कूल पर देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने और कलमा पढ़ने के लिए बाध्य करने के भी आरोप लगाए हैं। हमको स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल के अंदर से मस्जिद में जाने का एक गोपनीय रास्ता भी था, तो ये सब बातें तो बच्चों से लगातार बात होके, काउंसलिंग होके, संवाद स्थापित होके जितनी बातें निकल के आएंगी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है, देश के नक्शे के एक बड़े भूभाग को देश से अलग बताया गया है, जो बहुत दिनों तक एक बहस देश में चली है कि सेपरेटिस्ट लोग देश के पूर्वी भाग को चिकन नेक के बाद से काट देना चाहते हैं। सेम वही नक्शा इस स्कूल का लोगो था। उधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं, बयान दिया है, कहा है कि मामले की जांच की जा रही है जो फिलहाल प्रारंभिक स्टेज पर है। जैसे जैसे इस मामले में बयान सामने आएंगे और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नरोत्तम मिश्रा ने बच्चों को प्रताड़ित करने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई की बात कही है। आगे भी इसमें बयान होंगे, अभी प्रारंभिक स्टेज है। जैसे जैसे बयान होते जाएंगे, नाम सामने आते जाएंगे, नाम बढ़ते भी जाएंगे। अब जैसे एक साधारण सी बात है, अभी स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कायमी हुई है, पर कौन शिक्षक था जो इन्हें इस तरह से प्रताड़ित करता था या दबाता था या इस पे इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करता था। प्रियांक कानूनगो ने स्कूल मामले में हेल्प डेस्क बनाने की मांग की है ताकि दूसरे बच्चे भी अपनी बात रख सके। साथ ही विदेशी ताकतों के भी जुड़े होने की आशंका जाहिर की गई है। खबर जबलपुर से है, जहां मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच शादी हुई। एडिशनल कलेक्टर की कोर्ट में शादी हुई। पूरा पुलिस बल तैनात रहा जब यह शादी हो रही थी। शादी के बाद पुलिस से नवविवाहित जोड़े को लेकर रवाना भी हुई। तो पुलिस के पहरे के बीच हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की शादी के बंधन में बंधे हैं। कड़ी सुरक्षा का पहरा था पुलिस का। एडिशनल कलेक्टर की कोर्ट में ये शादी हुई। पूरा पुलिस बल तैनात रहा इस दौरान और शादी के बाद पुलिस नवविवाहित जोड़े को लेकर रवाना भी हुई। कोरोना काल में नियमों के उल्लंघन पर दर्ज किए गए केस को एमपी सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे छलावा बताया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर को कोई भला कैसे भूल सकता है। सरकार ने एहतियातन लॉकडाउन लगाया था और इसके उल्लंघन पर केस दर्ज किया था। एमपी में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर कई केस दर्ज किए गए थे, लेकिन अब सरकार ने साधारण धाराओं के सभी केसेस वापस लेने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोविड लॉकडाउन के समय जो लॉकडाउन के पालन नहीं कर पाने पर लगे, साधारण धाराओं के सभी केस वापस लेने का सरकार ने तय किया है मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। भले ये फैसला पीड़ितों को बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे वोट पाने का हथकंडा करार दिया। वोट इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है। मैं कानून मंत्री था, 15 महीने रहे, हम 1/4 भी केसेस वापस नहीं ले पाए, क्योंकि उसकी प्रक्रिया लंबी होती। ये केवल उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सरकार का फैसला कई लोगों के लिए राहत की बात है और ऐसे में इस मामले पर सियासत ठीक नहीं। चुनावी साल में सियासी दलों की तरफ से जनता को रिझाने की हर कोशिश हो रही है और इसी क्रम में पीसीसी चीफ ने एक और चुनावी वादा किया। कमलनाथ ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार गांव के पटेलों का मानदेय तय करेगी।
आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल में आयोजित पटेलों के सम्मेलन में शामिल हुए थे और इस दौरान ये ऐलान किया। उधर बीजेपी ने कमलनाथ की घोषणा को झूठा करार दिया। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि जब सरकार में रहते हैं तो महिलाओं और आम आदमी की याद नहीं आती इनको। मानदेय की बात करिए, आपको मानदेय मिलेगा तो गांव में किराने की दुकान भी जरा अच्छी चलेगी, बिना किराने की दुकान, क्योंकि तब आप भी खर्च करेंगे, अपने मानदेय से खर्च करेंगे। आवश्यक रूप से मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि आपको मानदेय, मैं और राजेश बैठ के आपका मानदेय तय करेंगे, पर मानदेय आवश्यक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने 3,30,00,00,00 रुपए का कर्जा लिया है अभी तक, और 5 महीने में कितना ले लेंगे। इस कर्जा का ब्याज पटाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। कांग्रेस तो हमेशा डर दिखाती रही है, कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलती रही है। 2018 में भी झूठ बोल के वोट बटोरने का काम किया ना, 2023 में कांग्रेस को फिर झूठ बोलने की आदत है। मणिपुर का मध्यप्रदेश में जिक्र क्यों? नहीं, हम कहाँ जिक्र कर रहे हैं मणिपुर, कमलनाथ जी कर रहे ना, कमलनाथ जी के पास कोई मुद्दे नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सत्ता चाहिए भले ही देश जहन्नुम में जाए। पीएम मोदी की सरकार देश को आगे बढ़ाने वाली और दुनिया में भारत की पहचान बनाने वाली सरकार है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले के बड़वा और सनावत में बीजेपी का संपर्क से समर्थन अभियान में हिस्सा लिया था। कांग्रेस तो उनको सत्ता चाहिए, देश जहन्नुम में जाए, ऐसी सरकार उन्होंने पहले सरकार शासन किए हैं। आप लोग मालूम है उनका करप्शन के बारे में अगर बोलें तो समय मुझे तो 1 घंटा लगेगा यहाँ खड़ा होकर, कितने लोग जेल गए हैं। इसीलिए हम तो देश बेचने वाला सरकार नहीं है, हम देश को संभालने वाला, देश को आगे ले जाना, देश को विश्व में हम प्रतिष्ठा करने वाला हमारी सरकार चल रही है। और हम, मैं पेट्रोलियम विभाग के मैं मंत्री हूँ, आपके पास अगर तेल नहीं है, गैस नहीं है और सस्ते में देंगे तो देश कहाँ जाएगी। आईएएस नियाज खान एक बार फिर चर्चाओं में है। नियाज खान ने मुसलमानों को धर्म परिवर्तन न कराने के साथ ही गौ रक्षक बनने की नसीहत दी। वहीं वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। आईएएस नियाज खान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। नियाज खान ने ट्वीट किया और मुस्लिम्स को नसीहत दी है। उनका कहना था कि जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित है, ऐसे में मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का विरोध करना चाहिए। नियाज खान ने मुस्लिम भाइयों को गौ रक्षक बनने की सलाह दी है। मेरे हर ट्वीट देखिएगा, आप संदेश देते हैं, कुछ ना कुछ समाज का एक संदेश देंगे। जब घटनाएं समाज में हो रही हैं तो राइटर का भी रिएक्शन होता है, एक मेंटल रिएक्शन मेरा भी रहा है, और ये आज का नहीं है। गाय माता के प्रति सम्मान मेरा, मैं खुद चूंकि प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं शुरू से हाँ, और गायों का बहुत सम्मान करता हूँ मैं, तो अगर घटना हो तो मुझे लगता है कि भाई अब समय आ गया है, क्योंकि अब हमारे मुस्लिम भाई भी इन्फॉर्म मिल जाए पुलिस के कि यदि कोई ऐसा कोई नकारात्मक सोचता है गायों को नुकसान पहुंचाएं कि तत्काल पुलिस को फोन कर दें, अब कर भी रहे हैं। नियाज खान की ट्वीट पर मंत्री विजय शाह ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि किसी धर्म को लेकर बीजेपी में विरोध नहीं है, लेकिन जबरन धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं करें।